हाय स्टूडेंट्स, दिस इज प्रोफेसर के फ्रॉम एमवेल एजुकेशन। तो आइए थोड़ा सा आगे देखते हैं, व्हाट इज मास नंबर। मास नंबर मैंने फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के आपको समझा दिए, क्रैम कैसे करने हैं। तो और डिस्कशन अभी ये टॉपिक नंबर मास नंबर पे चलती रहेगी, क्योंकि इनको अभी डेप्थ में अंडरस्टैंड करना है। वीडियो सीरियल वाइज है ताकि समझ आता रहे कंसेप्ट धीरे धीरे। तो मास नंबर आपने पहले भी से याद कर लिए, थोड़ा बताता हूँ कि एटॉमिक मास होता क्या। व्हाट इज एटॉमिक मास और मास नंबर डिनोटेड बाय फर्स्टली कैपिटल ए, ये भी याद रखना है। तो एटॉमिक मास इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सम प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यहां से मैंने ड्राइव किया, अगर एटॉमिक मास सम है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे पता कर सकते हैं? एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता करने हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को माइनस कर देंगे एटॉमिक मास से। एग्जांपल दे रखी है, लाइक एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1, मास नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो 1, सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे? एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, 1 माइनस 1 0। हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम इज 2, टेबल में से आपको याद होना चाहिए, अब ये डायरेक्ट माइंड में होने चाहिए। और मास नंबर कितना बताया था? 4। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे? मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, 4 माइनस 2 2, सो ऑन। बट नोट कर लो पॉज करके, देन ओके। कुछ एक्सेप्शन है जो आने वाले लेक्चर्स में मैंने आपको आइसोटोप्स का कंसेप्ट क्लियर करना है, आइसोटोप्स का, तो उसके बारे में थोड़ा सा हिंट दे दूं। ये जो मैंने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपको कैलकुलेट करने सिखाए हैं, अभी नोट करना कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज ऑलवेज होल नंबर। अभी जैसे क्लोरीन के केस में आपको याद होगा कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्लोरीन के केस में कैसे पता करते हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मास नंबर ऑफ क्लोरीन दैट वाज 35.5 माइनस एटॉमिक नंबर, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 17, तो ये कितना आता है बताइए? ये आएगा 18.5, ठीक है। बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मैंने अभी बताया, वो तो होल नंबर होता है, वो पॉइंट्स में आ ही नहीं सकते। फिर ये क्या है, ये भी मैं आपको क्लियर करूंगा इन द फ्यूचर। बाकी कोई भी 20 एलिमेंट्स में से देख लीजिए कि किसी में पॉइंट नहीं आया था, सिर्फ क्लोरीन में पॉइंट आया 35.5। तो ऐसे तो क्लोरीन के 18.5 तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो नहीं सकते, तो अभी मैंने जो आपको बताया वो चीज फेल होगी। क्या कारण है इसका? देखिए, वो चीज गलत नहीं है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। बट एक बार आप आइसोटोप्स का कांसेप्ट समझ लोगे, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, देन यू कैन अंडरस्टैंड कि ये 35.5 वाला चक्कर क्या है। एक्चुअली ये एवरेज एटॉमिक मास है जो मैं आपको आगे क्लियर करूंगा। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज प्रोफेसर के। थैंक्स फॉर योर लव टुवर्ड्स एमवेल एजुकेशन।